हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी पूर्वा घोष। और ये है महाशिवरात्रि का दिन। मैं तुरंत व्लॉग डाल नहीं पाई बिकॉज टाइम नहीं था, पूजा वगैरह में बिजी थी। हम लोग जा रहे हैं भूतनाथ मंदिर। मेरे बहुत दिन से ख्वाहिश था। हाँ, वो तो था ही, जो कि आज पूरा हो रहा है फाइनली, इतने मंथ्स बाद। होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की ज़रूर इच्छा हुई जिसके वजह से मुझे मौका मिला बाहर जाने का, मंदिर विज़िट करने का, पूजा देने का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बाबू घाट में। मतलब हम लोगों का प्लान नहीं था, बट हमें रास्ते में अचानक दिखा कि सेलिब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और जगराता टाइप हो रहा है। मन किया तो हम रुक गए वहाँ पर बीच रास्ते में। ये है बाबू घाट एरिया और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है शिवरात्रि के अवसर पर, और सेलिब्रेशंस भी बहुत धूमधाम से हो रहे हैं। तो चलिए अंदर जाकर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बिकॉज़ मुझे भी पहले आइडिया नहीं था कि कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, मैंने बाहर से ही देखा था। तो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट हो रहा है। सो हम लोग थोड़ा सा अटेंड करके निकल गए थे बिकॉज़ हम लोगों को मेन भूतनाथ मंदिर जाना था। वो थोड़ा लंबा रास्ता था जिसकी वजह से हम जल्दी निकल गए वहाँ से। एंड ये रास्ता ही है भूतनाथ के तरफ का, और अभी से ही नज़र आ रहा था कि ऑलरेडी भीड़ है। आइडिया तो था कि भीड़ होगा क्योंकि आज का सेलिब्रेशन का डे है, सब जाएंगे ज़रूर पूजा करने, दर्शन करने। भीड़ देख के थोड़ा सा तो डर लग ही रहा था क्योंकि भीड़ उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और भीड़ वाले जगह में उतना जाना भी नहीं चाहिए, रश वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस वजह से। बट स्टिल देन कोई बात नहीं, जब महादेव ने बुलाया है तो जाना तो होगा ही। अच्छा तो लग ही रहा था, उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था कि भीड़ में बहुत प्रॉब्लम होगा, लग रहा था कि अगर भीड़ होगा भी तो भी हम उस चीज़ को सह लेंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, बिकॉज़ मेरे बहुत पहले मंथ्स पहले भी मेरा इच्छा था, बट वो हो नहीं पाया था पॉसिबल यहाँ पर आना, बट आज पॉसिबल हुआ वो भी शिवरात्रि के दिन। तो ये मुझे मतलब एक ब्लेसिंग की तरह लगा, बिकॉज़ जो आपकी मन की इच्छा है वो आपको शिवरात्रि के दिन ही मिली। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ये है एंट्री गाइस, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत भीड़ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तिलक वगैरह के लिए भी लगा रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर लगाया, ये भी मेरा इच्छा था कि मैं भूतनाथ पे जाकर ये तिलक लगाऊं। तो सबसे पहले जैसे ही मुझे दिखा तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर लगाना है सबसे पहले। तो दर्शन वगैरह करने के बाद भीड़ से निकल कर हम लोग फाइनली आ गए इस गंगा घाट में। ये एरिया बहुत ज़्यादा पीसफुल लगा, यहाँ पर भी भीड़ था बट ठीक ठाक जो था वो सराउंडिंग था, उतना भी ज़्यादा भीड़ नहीं था इस एरिया में। यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा था फाइनली, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड में ना कंजस्टेड हो जाता है सब कुछ। और मेन बात आप लोग ये देख सकते हैं कि
कितने लोग जो हैं वो पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हैं, यू नो, पूजा करने, दर्शन करने, हर एक एज के. मुझे बहुत छोटे छोटे इन्फेंट्स भी दिखे, यू नो, 2-3 months के, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आस्था बहुत है लोगों के मन में ईश्वर को लेकर. सभी सर यहाँ पर गए हैं मेरे लिए, मेरे ऊपर गंगा जल छिड़कने के लिए, बिकॉज मैं वहाँ पर सामने नहीं जा रही थी, बिकॉज स्लीपरी एरिया था, तो सर मेरे लिए गए. গঙ্গাজল তুমি নিজের উপর ছিটকাও, নিজে ভুলে যাচ্ছে. और घाट में ही यहाँ पर एक महादेव का आइडल आप कह सकते हैं यहाँ पर रखा गया है. सो यहाँ पर भी लोग पूजा दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लोग फोटोशूट्स भी कर रहे हैं. सो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पर, भीड़ भी अच्छे तरीके से है, शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर हैं जो कि रेगुलर बैठते हैं, मतलब जैसे हर एक मंदिर वगैरह के साइड में आपको दिख जाएगा. और यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स भी यू नो थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज काइंड ऑफ अ टॉर्चर मुझे लगता है एनिमल्स के ऊपर, बट क्या कर सकते हैं. सो ये मुझे दिखा तो मैंने सोचा कैप्चर करूँ, बट मुझे थोड़ा सा सैड फील हो रहा था स्नेक्स के लिए, बिकॉज आई लव एनिमल्स. सो फाइनली दिन बहुत अच्छा बीता, दर्शन हुए महादेव के और सेलिब्रेट भी हम किए, तो बहुत ही अच्छा दिन था, फीलिंग ब्लेस्ड. आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.